अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेक पॉइंट 147 में वेलकम। आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा हमारा सुई नेटवर्क। तो इससे रेलिवेंट एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी आपसे शेयर करूंगा और आप लोगों के लिए एक ऑफ़र भी होगी जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर सके अभी तक, जिनका सेल में नेम नहीं आया, जो कि एयर ड्रॉप अवेल नहीं कर सके, तो उनके लिए एक ऑफ़र भी होगी और एक बिग न्यूज़ जिसकी वजह से आपको एक होप मिलेगी कि इसकी होप मिलेगी और आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि इसकी प्राइस कितना के जंप कर सकती है। तो बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हुए हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक तो मुझे मोटिवेशन भी मिले और दूसरा ये कि मैं आपके लिए डेली न्यू अर्निंग की वीडियो लाया करूँ और आप भी मेरे साथ ही अर्निंग कर पाएँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले तो ये कि ये डेट एक्सटेंड हो चुकी थी क्योंकि सेल चल रही थी, सुई टोकन की सेल चल रही थी, तो इनकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो होपफुली ये दो तीन दिन में इनकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो इनके लेकिन प्री स्टेप जो थे वो हमने पहले ही कर लिए थे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिली थी, दो सेल देखने को मिली थी, और एक थी कि जो कि पब्लिक सेल थी और दूसरी थी वाइट लिस्ट वालों के। वाइट लिस्ट वाले वो थे जिन जो कि मींस इनके एलिस्ट स्पोर्टर थे, जिन्होंने इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन किया था मींस टू फेब से पहले ही। तो उनके लिए ये सुई की जो सेल थी उनके लिए रखी गई थी $0.03 में वो परचेज़ कर सकते थे एक सुई टोकन। तो उसमें अब इन्होंने तीन एक्सचेंज थी, OKX, कोकॉइन और बायबिट। बायबिट और कोकॉइन के ऊपर ये वाइल्ड लिस्ट वाली सेल थी और OKX पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेल थी। तो जो वाइल्ड लिस्ट यूज़र थे तो उनके लिए ये बहुत ही मीन्स चीप प्राइस में ये सेल है, तो $0.03 में। और इनको सबसे बड़ा एज ये था कि इनके टोकन 100% उसी टाइम अनलॉक हो जाने थे जैसे ये मेन नेट लॉन्च होना था। तो मेन नेट जो कि लॉन्च हो रहा है आई थिंक सेकेंड मई को हो रहा है या थर्ड को हो रहा है, तो ये वो भी हम अभी चेक कर लेते हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन इनकी एक लिमिट थी कि ये मैक्सिमम $45 के परचेज़ कर सकते थे मीन्स जी वाले। लेकिन इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं हम लोग पब्लिक सेल की, लाइक हम जैसे सपोर्टर। तो इनके लिए जो सेल का क्राइटेरिया था वो ये था कि इनके लिए विनिंग टिकट्स इतनी थी, ये कोकॉइन की बात हो रही है 22,500, तो मैक्सिमम एक यूज़र को एक टिकट मिल सकती थी और एक टिकट के थ्रू एक यूज़र $1,000 तक सेल में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो अब ये हमें जो प्राइस मिलेगी ये होगी $0.1, जबकि वाइल्ड लिस्ट वाले मिले $0.03 थी, मीन्स उनके 3x से भी ज़्यादा के बाद हम बाई करेंगे पब्लिक सेल में। तो वाइल्ड लिस्ट वालों को एक तो 3x हो जाएगा, 45 का उनका हो जाएगा $135, उसके बाद हम परचेज़ कर रहे हैं इसको, मीन्स हमारा $150 के करीब और उनका $45 एक बराबर होगा। तो इस तरह से हमने पार्टिसिपेट करना है और आपके पास मीन्स आप मैक्सिमम $1,000 तक कर सकते हैं पार्टिसिपेट इसमें। अब इसमें करना क्या था, इनमें सारे स्टेप तो क्लियर हो चुके थे हमारे, रिजल्ट भी आ गया होगा लॉटरी में। तो ये चेक करते हैं कि ये मुझे एक टिकट रिसीव हुई थी, तो इसके बाद टोटल इतनी टिकट जनरेट हुई हैं और जिसमें से एक टिकट मेरी भी है। तो मेरा टिकट का रिज़ल्ट आ गया था, तो सक्सेसफुली मुझे ये टिकट मिल चुकी है। तो अब इसमें पार्टिसिपेट किस तरह से करना है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी मैंने देखने को नहीं मिल रहा कि आपने डॉलर कैसे पे करना है। तो इसमें टोकन डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि 5 मई को है, तो 5 मई को ही इनका मीन्स ये सेल स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इनके अगर आप रूल्स में जाके पढ़ें
यहाँ पे ऊपर टॉप पे रूल्स में क्लिक करें तो ये वाला पेज ओपन होगा। इसके बाद आप अगर चेक करते हैं ये हम लोगों के लिए, तो एक तो हमारे पास ये तो स्टेप हो चुके हैं टिकट वाला। इसके बाद की बात करते हैं कि टोकन कैसे मिलेंगे हमें, तो वो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। आप ये अगर पढ़ें टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आपको समझ आएगी कि जो कुकवाइन है ना, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से USDT डिटेक्ट कर लेगा, और उन जितने आपके डॉलर होंगे उस उनके मुताबिक ही आपको सुई के जो टोकन होंगे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन ये एट अ टाइम सारे टोकन हमें सुई के नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ वाइट लिस्ट वालों को टोटल टोकन मिलेंगे, और हम जैसों को मिलेंगे पब्लिक सेल यूज़र को 7.7% हमें दिए जाएंगे फर्स्ट। यहाँ पे इनका अगर को ओके एक्स पे जाएं तो यहाँ पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। ये चेक करें कि 3 इनका ओके एक्स में हमें जो है 3 मई को मिलेंगे टोकन, और लेकिन कोकॉइन में हमें 5th को मिलेंगे। तो ओके एक्स में यहाँ पे आपको क्राइटेरिया समझ आ जाएगा, 7.7% हमें उसी टाइम दिए जाएंगे जब ये लॉन्च होगा मेन नेट। उसके बाद हर मंथ के बाद आपको 7.7% मिलते जाएंगे। तो इसमें अगर पार्टिसिपेट किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो कोकॉइन में, और कोकॉइन में भी आपने नहीं किया तो अभी बैनेंस के ऊपर। ये वो न्यूज़ है जो मैं शेयर करने चाह रहा था कि बैनेंस ने भी ऑफिशियली इसको एडवर्टाइज़ कर दिया है कि ये भी लिस्ट करने लगे हैं सुई को, और इन्होंने अभी स्टेकिंग रिवार्ड के तौर पे ये सुई अब जनरेट कर रहे हैं। तो अभी मैंने भी स्टेक किया हुआ था, लेकिन बहुत ही माइनर अमाउंट में किया था, तो इतना ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, एक सुई भी नहीं मिला होगा। तो ये तो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है इनका, 1 दिन बाकी रह गया है स्टेकिंग के लिए, तो यहाँ पे करना फजूल है, यहाँ पे आप बेशक ना करें। लेकिन ये सिर्फ एक न्यूज़ है कि बैनेंस भी लिस्ट करने लगा है सुई को। तो जब बैनेंस के ऊपर कोई भी टोकन लॉन्च होता है तो वो तो वैसे ही वो और एक्सचेंजेस पे अगर होता है तो यहाँ पे आते हुए उसे 2-3x 5x तो आराम से वो जंप कर जाता है जब वो और एक्सचेंज से इधर आता है वो। लेकिन क्योंकि ये न्यू कॉइन है, स्टार्ट से ही अगर 0.1 की प्राइस से अगर हम इसे कंसिडर करें तो ये मिनिमम मिनिमम मेरे मुताबिक ये 1 डॉलर तक इसकी प्राइस जाएगी, 1 से 2 डॉलर के बीच में रहने वाला ये टोकन। तो स्टार्ट में हो सकता है कि ये 5 डॉलर को भी टच करे, लेकिन जो इसकी एवरेज प्राइस रहेगी वो होगी 1 से 2 के दरमियान। तो मीन्स 10x से 50x तक प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर हमें 7.7% भी मिलते हैं तो हमारी तकरीबन 70% फीस 70% इन्वेस्टमेंट हमें फर्स्ट ही ये जो हमें पेमेंट मिलेगी सुई की उसमें ही कवर हो जाती है। तो आपको बिल्कुल इसको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने सेल में पार्टिसिपेट नहीं किया कूपन और ओके एक्स या बाईबिट में, तो आप तो कर नहीं सकते क्योंकि अब रिज़ल्ट आ चुका है टिकट का। तो आप ये कर सकते हैं कि आप मेरे साथ ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मेरी लिमिट ज़्यादा है कि 1000 डॉलर तक। तो अगर आप करना चाहते हैं कि मेरे साथ ही आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट करें तो हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ कमीशन होगा मेरा उसके बिहाफ पे, फिर आपको सिर्फ अमाउंट भेजनी होगी और सारा काम मेरा होगा। तो हर मंथ आपको सुई के जितने भी आपके बनते होंगे डॉलर के रिस्पेक्ट के, आपने कितने इन्वेस्ट किए हैं, 50 डॉलर 100 डॉलर या जितना भी, तो मिनिमम हम 50 डॉलर तक रखेंगे। तो उस रिस्पेक्ट से आपको पेमेंट हर मंथ ही मिलती रहेगी। तो ये ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा, अगर ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप वेल एंड गुड ज्वाइन करें हमारा ग्रुप, और उसके थ्रू कांटेक्ट करें मुझसे। तो हम फिर देख लेंगे कि जो भी रिज़ल्ट होगा, आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये लिमिटेड पर्सन के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि अभी टाइम भी ख़त्म होने वाला है और मेरे पास अपनी भी अमाउंट है और कुछ दोस्तों की भी होगी।
बहुत ही कम मीन्स मार्जिन बच चुके हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी आएँ, कांटेक्ट करें और अपनी बुकिंग करा लेंगे। मैंने इतने इन्वेस्ट करने हैं आपके साथ, तो उस बिहाफ पे मैं आपके अमाउंट भी कंसीडर कर लूँगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इसका। मीन्स 0.1 डॉलर पे परचेज़ करेंगे हम लोग। 0.1 वाली सेल में आप अगर मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं। कमीशन बेस होगा ये काम, फ्री में कुछ नहीं होगा, तो ये आपको माइंड में रखते हुए आना होगा। तो अगर आप प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो का टॉपिक था हमारा, तो होपफुली इससे बहुत ही अच्छा हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि एट अ टाइम ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रहा है सोए। तो इसकी प्राइस और कुछ नहीं, 1 डॉलर तो कहीं नहीं गई ना यार, मीन्स 10x। अगर 100 डॉलर करते हैं तो उसका 1000 डॉलर, लेकिन ये मिलेगा टाइम टू टाइम। मीन्स फर्स्ट मंथ में आपको 7.7% मिलेगा और इसी तरह मिलता रहेगा 12 मंथ, 1 साल तक ये मिलता रहेगा। हो सकता है 1 साल के बाद इसकी प्राइस और भी ज़्यादा जंप कर जाए, 5 डॉलर प्लस चली जाए, तो ये भी पॉसिबल है। और हो ये भी हो सकता है कि डाउन चली जाए, लेकिन डाउन नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एप्टोस के मुकाबले का प्रोजेक्ट है और एप्टोस की आजकल कीमत जो है अराउंड फिगर 11 डॉलर आई थिंक सो थी, चेक कर लेते हैं हम लोग। एप्टोस और एआरबी इन दोनों के मुकाबले का ये प्रोजेक्ट है। अगर एआरबी को हम चेक करते तो ये लॉन्च से लेकर अब तक कितना पंप हो चुका है, तो ये अभी दिखा सकते हैं। ये भी कोई राउंड फिगर 10 to 15x इसमें भी पंप देखने को मिला था। इसी तरह एप्टोस में भी ऐसे ही है, वो भी 1 डॉलर से कोई 10 डॉलर के बीच चल रहा है, सॉरी 1 डॉलर से लॉन्च हुआ था और 10 डॉलर तक वो चल रहा है इस टाइम। तो ये देखिए, ये 0.5 पे बैनेंस के ऊपर लॉन्च हुआ था, इससे पहले और एक्सचेंजेस पे था, और इसकी प्राइस अब क्या है 1.3। तो मिनिमम भी ये कितना, अगर बैनेंस के रिस्पेक्ट से हम देखते हैं तो ये हमें 3x राउंड फिगर दे चुका है, लेकिन बैनेंस से पहले ये और एक्सचेंज पे था, तो ये 0.5 इसके एक्चुअल प्राइस नहीं थी। तो ये इसी तरह अगर हम एपीटी की बात करते हैं, तो एप्टोस की बात करें तो ये 9.8 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है इस टाइम। तो इसकी प्राइस स्टार्ट देखते हैं, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये 1 डॉलर से स्टार्ट हुई थी, 100 डॉलर तक गई थी स्टार्ट में। अगर आप स्टार्ट में सेल कर देते हैं तो कितना प्रॉफिट है यार आपको, 100x। और अगर करंट इसकी प्राइस चेक करें तो अब भी 10x है। तो इसी तरह आपको ये भी सुई में भी ऐसे ही पंप देखने को मिलेगा। तो आप इसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, इसको सीरियस लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।